पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद की मानसरोवर कॉलोनी स्थित एक गर्ल्स इंटर कॉलेज में आज कई दर्जन छात्राओं ने जमकर तोड़फोड़ की और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर गुस्सा निकाला। इन छात्राओं और इनके परिजनों का आरोप है कि स्कूल मैनेजमेंट ने इन्हें जानबूझकर 12वीं क्लास में फेल कर दिया, जिसे लेकर ये छात्राएं पिछले एक महीने से जिला प्रशासन के सामने पहुंचकर अपनी बात कहते आ रही हैं। लेकिन आज उनके सब्र का बांध टूट गया और स्कूल पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। छात्राओं का आरोप है कि टीचर्स के द्वारा उनसे अभद्रता की गई और गलत व्यवहार किया गया, जिसके बाद छात्राओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया और तोड़फोड़ कर दी। हंगामे की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया और मामले को शांत कराया। छात्राओं के गुस्से को देखते हुए स्कूल स्टाफ ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, जिसके बाद छात्राओं ने स्कूल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। कई ऑफिस और क्लासरूम भी तोड़ दिए गए। मझोला थाना क्षेत्र स्थित साईं विद्या इंटर कॉलेज में आधे घंटे तक छात्राओं ने जमकर उत्पात मचाया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कमरों में बंद स्टाफ को बाहर निकाला, जिनमें से कई को चोट लगी है। ये छात्राएं आज सुबह अपनी बात कहने के लिए डीएम मुरादाबाद के सामने भी पहुंची थीं। दरअसल मामला है जनपद मुरादाबाद के साईं कन्या इंटर कॉलेज का, जहां पर इंटर की छात्राओं को यूपी बोर्ड के रिजल्ट में फेल कर दिया गया था। छात्राओं ने इसका विरोध किया तो हंगामा हो गया। आज भी गुस्साई छात्राओं ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया और मार्कशीट में नंबर देने की मांग की। स्कूल स्टाफ ने जब कुछ छात्राओं की नहीं सुनी तो छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा और तोड़फोड़ शुरू कर दी। रिकॉर्डिंग भी किया आपने कि यहाँ पे तोड़फोड़ हुई है ना, इसीलिए हम आए हुए देखने के लिए क्या यहाँ पे तोड़फोड़ हुई है और इस पे जो भी इन्वॉल्व है उसके विरुद्ध जो है जो भी कार्रवाई होगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई। क्या 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 सूचना मिली क्या सर, तोड़फोड़ किस तरह से हो? तोड़फोड़ आप देख रहे हैं, आपने तो रिकॉर्डिंग की है, कुछ शीशे की तोड़फोड़ देख रहे हैं। इसमें एक लड़के को इस सोसाइट में करने बता रही थी, छत पर चढ़ गए। इसका अभी श्री साईं विद्या कन्या इंटर कॉलेज है, यहाँ पे कुछ दिन पहले जब 12th बोर्ड के एग्जाम डिक्लेयर हुए थे तो उसमें कुछ बच्चे फेल हो गए थे, तो उन्होंने रोष व्यक्त किया गया था। उनका कहना जब इसमें स्कूल द्वारा बताया गया था कि इन लोगों की अटेंडेंस शॉर्ट थी, इन्होंने कुछ प्री बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं दिए थे, इसलिए वही रिपोर्ट भेजी थी जिसके आधार पर इनको फेल कर दिया गया था। बाद में इनके प्रत्यावेदन उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन डीएम सर एसओसी सर के सामने रखा था, तो इनका प्रत्यावेदन शासन को भेजा गया था। उसके बाद इनको पास किया गया था। फिर इनमें एक बात ये थी कि इनके कम नंबर आए हैं, इसलिए इस चीज़ को लेकर ये लोग आज स्कूल पे इकट्ठा हुए थे और फिर यहाँ पे इनके और इनके पेरेंट्स और जो अन्य लोग थे इनके द्वारा यहाँ पे तोड़फोड़ की गई। इसमें जो पूर्व में भी यूपी बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया है कि 27 अगस्त तक ये लोग फॉर्म भर सकते थे, जिनको भी अपने कम नंबरों या फिर से री एग्ज़ाम देना चाहते थे अपने मार्क्स को बेटर करने के लिए। इसमें जो आज ये घटना हुई है इसके कैरियर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की गई है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।